सुनो, वो मेरी नर्स है, वो मेरे साथ नाचेगी। हम इनके पेशेंट हैं, हम आपके साथ नाचेंगे। पहला हम रिहर्सल कर देंगे, ठीक है? ओ यार पागल कर सकते। तुम मेरे साथ रेन डांस करो, तुम्हें सर्दी भी नहीं होगी। सर्दी को बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट है, आपका बदनामी को कौन करेगा ट्रीटमेंट? अरे क्या बात कर रही है, आपके पिता जैसे हैं। आया बेटे। तुम रुक, मैं जा रही हूँ। नहीं, लॉटरी। यहाँ से जाने से पहले तुम्हें मेरी लाश पे से गुजर कर जाना पड़ेगा। गुजर जा। Calm down. I'm going to get ready performance के लिए। चलिए मैं आपको तैयार कराता हूँ, आ जाओ। एक मिनट। आज तक कोई भी पेशेंट मेरी इजाजत के बिना बाहर तो आ सकता है आईसीयू से, लेकिन मेरी इजाजत के बिना अंदर नहीं जा सकता। इतनी बड़ी बात थी नहीं, इतना बड़ा डायलॉग बोल दिया आपने। आप लोग डायलॉग में एंटरटेनमेंट ढूंढते रहे ना, वो अंदर रेन डांस के लिए तैयार होने चली गई है और एक बूंद भी पानी की नहीं है यहाँ पे। और रेन डांस करे तो सही, मैं यहाँ पे कुआं खोद दूंगा। तो फिर 5 फीट तक ही खोदना। क्यों? क्योंकि 6 फीट के बाद स्टेज खत्म हो जाती है। इतनी वाहियात घटिया बात की है तूने। ले भी 10 रुपए ले, इसके मुंह पे बात क्या? क्यों वो फावड़े जैसे मुंह वाले? ये खुदाई वाली बात करनी जरूरी थी तेरी? ऐसे 10-10 के 20 नोटा मेरे पास। एक और ले भी, एक और बात क्या? तुम्हारा मुंह ऐसा है जैसे इसका मुंह। वाह भाई, ये होती है पुरानी यारी। ये यार तुम लोग यहाँ पे खड़े, 7 बजने वाले डांस शुरू होने वाला है, पानी का इंतजाम तो करो फिर। चलो फिर, चलो 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 चलो, चला जा, जाओ अंदर, भाग जा। पानी नहीं आया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। एक बात है, डॉक्टर साहब ने कहा आज अगर पानी नहीं आया तो ये जान दे देंगे। अगर ये अपनी बात से मुकरे हम इनकी जान ले लेंगे। भगवान करे तुम दोनों का लूज मोशन हो जाए। और इलाज कराने के लिए तुम मेरे पास हो, मैं कर ना सकूं क्योंकि उस दिन मुझे भी लूज मोशन हो। हम मर जाएंगे लेकिन आपसे दवा कभी भी नहीं लेंगे। मेरे से इलाज नहीं कराओगे तो मरोगे कैसे? हट। पानी ले। आई नहीं, आई नहीं अभी तक। क्या बात है यार। डॉक्टर साहब टाइम तो हो गया वैसे। हाँ बस 3 सेकंड बाकी है। 3, 2, 1, 7 o'clock. Excuse me, हमने तो बिरयानी ऑर्डर की थी, ये खिचड़ी कहाँ से आ गई है? बिरयानी? तुम तो चाय के साथ जीरा बिस्किट खाते हैं। जीरा बिस्किट खाते हैं हम अपने घर पे, लेकिन बाहर हमें क्या सी फूड खाने का हक नहीं है? ये क्या है डॉक्टर साहब, मेरा दिल कर रहा है चोंच उखाड़ दूं पकड़ के मैं। ये रेन डांस होने वाला था, ये क्या हो रहा है? ये देखो, ये मोरनी बन गया है, डॉक्टर साहब लूंबड़ी बन गए हैं। मैंने ना तेरे मुंह पे थूक फेंक देनी अगर तूने मेरी शक्ल के बारे में कुछ बोला तो। ठीक है, मैं यहाँ पे डॉक्टर की डिग्री लेके बैठा हूँ, तू वहाँ मटिया लेके बैठा, मेरे से छिपा लड़ा कर रहा। डॉक्टर साहब अपना मुंह चेक करो, आपका मुंह लीक करता है। मेरा तो मूड ही खराब हो गया यार। चलो यार, अरे भगाओ इस पक्षी को यहाँ से। एक सेकंड, चलो डॉक्टर साहब एक काम, सबने मेहनत की है, देखो लॉटरी सब लोग पानी लेके आए हैं। मैं तो केतली में लेकर आया हूँ। तेरी जान निकल गई यार ये पानी की बोतल लाते हुए। ये इतने से पानी से मैं आपको कौन सी परेशानी हो गई है? तो अपनी किडनी से पानी की बोतल निकाल के देख, तेरे को पता चलेगा। चलो डॉक्टर साहब। मेरे को मत बुला यार, मेरा मूड सारा ही। डॉक्टर साहब सुनते नहीं आप। डॉक्टर साहब ऐसा है, सबने मेहनत की है पर लॉटरी बेकार नहीं जाने देगी। लॉटरी पब्लिक की डिमांड पे रेन डांस करके दिखाई। ठीक है लेकिन एक कंडीशन है। आप बोलो, जान दे देंगे यार। आप 2 मिनट रुक जाओ, आपकी वैसे निकल जानी है। हाँ जी, आप लोग 3 गिनते, उसके बाद आंख बंद करके पानी डालना है। चलिए चलिए चलिए, म्यूजिक। मेरी केतली भर दीजिए, सारी जिंदगी आपको चाय पिलाता रहूंगा। चल, तेरी चाय के लिए पानी नहीं, हमारे बच्चा दफा हो जाए। तो इसमें क्या मछलियां पालनी है आपने?
आपको 4 बोतल वोडका के साथ आना चाहिए था। नहीं, आजकल मैं पानी बांट रहा हूँ। तेरा टूने टोटके जैसा मुंह, तू वोडका पिएगा तू? जब अपना काम कर जाके। जब दो बिजनेसमैन बातें कर रहे हैं तो बीच में नहीं बोलना चाहिए आपको। और सुनाइए हनी पाजी, क्या चल रहा है आजकल? मेरा तो सब हिट चल रहा है, तेरा क्या चल रहा है आजकल? मेरी तो पाजी दुकान चल रही है। शर्मा जी, आपका क्या चल रहा है? गर्दन इधर उधर ही होती है, इधर भी होती है, ऊपर बोर्ड नहीं देखा? मैं पाजी जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मैं ऊपर नहीं देखता हूँ। जमीन से तो जुड़ेगा, हैंडपंप जैसा मुंह है। बदतमीज आदमी को बड़ा आदमी आता है, इंट्रोडक्शन देते हैं अपनी। एक्चुअली आई एम शेख चंदू। शेख चंदू? आई एम द ओनर ऑफ दुबई टी स्टॉल। और हनी पाजी, आपको पता हमारे यहाँ चाय असेंबल की जाती है। असेंबल? हाँ जी। कुछ नहीं पाजी, इसने बड़े बड़े शब्द सीख लिए, हर जगह फिट करता था। परसों पजामे में नाड़ा डाल रहा था, कहता मैं पजामा असेंबल कर रहा हूँ। फिर पजामा पहना, नाला कट गया, पजामा गिरा, कहता मैंने कच्चा ब्रॉडकास्ट किया है। इसको कुछ नहीं आता, फालतू बकवास करता है। मेरी बात सुनिए, आप इनकी बातें मत सुनिए। आइए मैं आपको चाय की रिफाइनरी दिखाता हूँ। रिफाइनरी? रिफाइनरी कौन सा? 40,000 square feet में बनी पाजी। ये 4x4 का खोखा है, उसमें से 2x2 की जगह रात को कुत्तों को सोने के लिए देता है। वो बदले में इसको बिस्कुट दे देते हैं, वही ये ग्राहकों को बेचता है, ये इसकी असलियत। पाजी मैं कुत्तों को इसलिए सोने के लिए देता हूँ, कभी कभी ये सोने के लिए आ जाते हैं। पाजी सिप करना है आपने, सिर्फ मेरी इज्जत करनी है। सिर्फ सिप ही करना, उसके बाद तो उल्टी करेंगे। नहीं मैं चाय पीते नहीं यार। लान दे देते जा। और तू हनी सिंह को तू रखी हुई चाय पिला रहा है? तो ये भी गाने बना बना के रखते हैं। ये कौन सा स्टेज पे सीधे जाकर गा देते हैं। पाजी इसका कैसे करें, इसको थप्पड़ मारेंगे, लाते मारेंगे। मेरी बात सुनिए पाजी, पता क्या, ये स्पेशल चाय है। आपको पता है इसमें मैंने चीनी भी नहीं डाली। ओके। क्योंकि आपका नाम हनी है, आपको चीनी की क्या जरूरत है? ऐसे तो तेरा नाम भी चंदन है, खुशबू आनी चाहिए, फिर तेरे से मैली जुराब जैसी बदबू क्यों आती है? पाजी इधर आ जाओ, बदतमीज आदमी, उसको पता नहीं है सिद्धू पाजी का कैमरा ब्लॉक हो रहा है। टेक्निकल आदमी नहीं है। मेरी बात सुन लो, आज मोहल्ले में पानी नहीं आया, इसलिए बंदा कभी कभी नहीं नहाता, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जा चला जा अपनी बीवी की नाइटी पहन के आ गया, दबा जा। डायरेक्टर साहब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर हनी सिंह अवेलेबल नहीं होते, वैसे तो वो करवा लेते हैं। नहीं मतलब उनकी बात कोई टालता नहीं, बहुत बड़े प्रोड्यूसर है। पर अगर हनी सिंह अवेलेबल नहीं होते तो आप किसको इस फिल्म में लेते? कपिल शर्मा। एक्चुअली मेरा एक गाना है 1 Bottle Down, जो हमने LA में शूट किया था, उसके लिए 450 मॉडल्स आई थी। 450 लड़कियां? तो कितने दिन में शूट किया आपने? हमने एक रात में। एक रात में? तो घर कितने दिन बाद गए? हनी जितने भी गाने करते हैं सबके सब हिट होते हैं, मुझे समझ नहीं आता इतने हिट गाने आपको कहाँ से मिलते हैं? आपने कोई तोता रखा हो जो पर्ची निकालता है आपके लिए? या क्या हो? जानने की क्यूरियोसिटी है लोगों को। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates